हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप लोगों की ही डिमांड में आप लोगों ने मुझसे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं कैसे अपने बालों को वॉश करती हूँ, अपने बालों को वॉश करने से पहले क्या चीज़ लगाती हूँ, अपने बालों पर कैसे वॉश करती हूँ, देन उसके बाद कैसे मैं आफ्टर वॉशिंग में क्या लगाती हूँ। तो उसी का पूरा वीडियो मैं लेके आई हूँ कि किस तरह से प्रॉपर मैं फुल डेमो के साथ कि मैं किस तरह से बाल वॉश करती हूँ, अपने हेयर को किस तरह से वॉश करती हूँ और क्या अप्लाई करती हूँ बिफोर हेयर वॉश। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें। और ये आपको पूरा वीडियो तभी समझ में आएगा जब मेरे वीडियो का पूरा लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि मैंने आफ्टर वॉश अपने बालों पर क्या अप्लाई किया है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे जब भी अपने हेयर को वॉश करना होता है मैं हमेशा ऑयलिंग करती हूँ और एक रात पहले कोशिश करती हूँ ऑयलिंग करूँ बहुत अच्छे से या फिर कोई पैक लगाती हूँ। तो मैं आज कोई भी पैक नहीं लगाऊंगी, अच्छे से अपने बालों को ऑयलिंग करूँगी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तेल लेके, ताकि जो मेरे पूरे बालों में, और मैं वीक में 3 बार ऑयलिंग करती हूँ अपने हेयर्स में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेके करने वाली हूँ। और ऐसा मैं वीक में जो मैं 3 टाइम्स करती हूँ उसमें एक वीक में एक दिन मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल को लेती हूँ। और मैं यहाँ पे जोक ऑयल ले रही हूँ जो जोक के सलाइवा से बना हुआ है और इधर मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। और आपको अपने बालों से सारी क्लिप्स को निकालना है और बहुत अच्छे से अपने बालों में इस ऑयल को अप्लाई करना है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. लगभग 15 मिनट तक मैं अपने हेयर्स में बहुत अच्छे से मसाज करूंगी। आप भी जब भी इस जोक ऑयल को अप्लाई करिएगा, कोशिश करिएगा 15 मिनट तक बहुत अच्छे से मसाज करें, ताकि जितनी भी हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत तेज़ी से हो, और जहाँ पे नहीं हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन और हेयर फॉल हो रहा है वहाँ पे ये हेयर ऑयल अपना काम करेगा। इसीलिए इसको मसाज काफ़ी टाइम तक दी जाती है और मैं भी खूब अच्छे से मसाज कर रही हूँ। 15 मिनट तो मैं मतलब मिनिमम देती हूँ, अगर 1-2 मिनट और ऊपर हो जाता है तो इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये ऑयल हमेशा आप रात में ही लगाइएगा, दिन में मत लगाइएगा थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक ऑयल है तो आपके जो सर पे है, स्कैल्प पे थोड़ा सा भारी भारी लगने वाला है। तो इस समय मैं बहुत अच्छे से अपने हेयर्स को मसाज कर रही हूँ। अगर आपके पास हेयर मसाजर है तो बहुत अच्छे से वैसे आप करिए, और लेकिन एक बात हम ध्यान ज़रूर रखिएगा कि इस ऑयल को आपको रात में ही लगाना है। और इसके बाद मैं एक अच्छी सी यहाँ पे चोटी बना लूँगी और कोशिश करिएगा चोटी ही बनाएं। तो मेरे बाल बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी मैं इसमें चोटी बना लेती हूँ और ओवरनाइट मैं अपने हेयर्स को ऐसे ही रखने वाली हूँ। तो आप भी जब भी अपने हेयर्स को में ऑयल लगाएं तो अपने हेयर्स में चोटी बना लें, और उसके बाद जिस भी आप पिलो पे लेटे उसमें पुराना पिलो कवर चढ़ा हो। तो यहाँ पे हेयर वॉश करने के लिए आज मैं हेड एंड शोल्डर का शैम्पू ले रही हूँ और पैंटीन का कंडीशनर ले रही हूँ। तो मैं अपने बालों को फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करूँगी और थोड़े से, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शैम्पू कभी भी डायरेक्ट अपने स्किन स्कैल्प पे मत लगाइए, क्योंकि काफ़ी हार्मफुल होता है। और इसीलिए मैं कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती हूँ शैम्पू को, हमेशा उसे वाटर में मिला के ही अप्लाई करती हूँ, जिससे कोई भी हार्म ना आए डायरेक्ट स्किन में, ना आए कोई भी केमिकल। तो आप भी जब भी
शैम्पू यूज़ करिए तो हमेशा पानी में मिला के करिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको पानी में मिला के करना है, और अपने बालों को बहुत अच्छे से रब करिए। आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको यही शैम्पू यूज़ करना है। और इसके बाद आपको हल्के गर्म पानी से अपने बालों को वॉश करना है। तो मैं यहाँ पे हल्के से गुनगुने पानी से अपने बालों को वॉश कर रही हूँ। इस ऑयल को लगाने, आप वैसे कोई ऑयल लगाएं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप इस ऑयल को यूज़ कर रहे हैं तो आपको हल्के गुनगुने पानी को ही यूज़ करना है। और मैंने यहाँ पे बालों का सारा शैम्पू निकाल दिया है। और इसके बाद आपको, अभी जो मेरे बाल हैं पूरी तरह से धुले नहीं हैं, अभी वेट करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके बाद मैं एक क्लीन कॉटन के कपड़े से इसे बालों को अच्छे से पोंछ लूँगी, यानी सारा पानी निकाल दूँगी। तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से पानी को निकाल रही हूँ। और पानी को निकालने के बाद ही आप जब भी कंडीशनर अप्लाई करें तो हमेशा हल्के से गीले बालों में, पूरे गीले बालों में मत अप्लाई करिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशनर ले रही हूँ। और आपको कभी भी कंडीशनर को स्कैल्प पे नहीं अप्लाई करना है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमेशा नीचे के बालों में ही अप्लाई करें, मतलब स्कैल्प पे ना आ पाए, और इसके इधर उधर जितने भी बाल हैं आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे मुझे कहीं ज़्यादा ओकेजनली जाना होता है, पार्टी में जाना होता है, तो मैं कंडीशनर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ उस डे, वरना मैं नॉर्मल ही यूज़ करती हूँ। और कंडीशनर को निकालने के लिए भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगेगा, क्योंकि कंडीशनर इतनी जल्दी नहीं निकलता है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे नॉर्मल पानी का यूज़ करूँगी, यानी गर्म पानी से नहीं वॉश करूँगी। तो मैं नॉर्मल पानी से अपने बालों को अब यहाँ पे वॉश करने वाली हूँ, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट दीजिएगा कि सारा कंडीशनर अच्छे से निकल जाए। और अब मेरे बाल पूरी तरह से वॉश हो चुके हैं यहाँ पे। अब मैं आगे दिखाऊंगी कि आफ्टर वॉश मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बाल पूरे अच्छी तरह से वॉश हो चुके हैं, और मैंने इन्हें थोड़ी देर कॉटन के कपड़े में रखा। और इसके बाद मैं इन्हें कॉटन के कपड़े से निकाल के धीरे धीरे पोछूंगी। ज़्यादा टाइटली मत पोछिएगा, वरना बाल टूट सकते हैं। जब ये बाल गीले होते हैं तो थोड़े से कमज़ोर होते हैं हमारे बाल, इसीलिए उस समय कॉम्बिंग भी मना की जाती है। तो आपको यहाँ पे बालों को कॉटन के कपड़े से धीरे धीरे से रब करके इसका पानी निकालना है, और इसी अपने बालों को धोने के बाद आप किसी सीरम का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं काफ़ी दिनों से यहाँ जो पैंटीन का और ऑयल रिप्लेसमेंट आता है, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। इसका फुल रिव्यू मेरे चैनल पर है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, कितना प्राइस है। तो इस तरह से मैं पूरा बाल अपने वॉश करती हूँ, और इस तरह से ऑयलिंग करती हूँ। और जितने पैक हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आपने देखा कि मैं किस तरह से अपने बालों को वॉश करती हूँ फुल डेमो के साथ। आज मैंने ये वीडियो बनाया है, काफी दिन से पेंडिंग था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को पिक करूँ। तो फिर मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में। और रात को हर रोज मैं 10 बजे लाइव आती हूँ, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।